नमस्कार, स्वागत है आपका नो कट्स नो लट्स ऑल रॉ के डे 5 में। अगेन नो दुख दर्द पीड़ा के बारे में बातचीत, क्योंकि टॉपिक अभी भी है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन और उनमें नेचुरल एथलीट्स के साथ हो क्या रहा है। लेकिन उससे पहले मैं अपने लैट आइसोलेशन की लास्ट एक्सरसाइज कर लेता हूँ। मैं कर रहा हूँ स्ट्रेट आर्म पुल डाउन। आपने देखा होगा जिम में या फिर इंस्टाग्राम पे भी मोस्टली इससे लोग रोप के साथ परफॉर्म करते हैं, बट मैं इससे स्पेसिफिक एक्सेसरी के साथ परफॉर्म करूँगा। ये ज़्यादा बेटर है रोप से। ये आइसोलेशन है तो लोड वैसे ही कम रखना है और उद्देश्य है जितना हो सके उतना बेटर, मतलब स्मूथ और कंट्रोल वे में मैं अपने मसल को स्टिमुलेट ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ। तो करते हैं, हर हर महादेव। ये एक्सरसाइज मुझको बहुत अच्छी लगती है बिकॉज लैच पे बहुत अच्छे से टेंशन क्रिएट होता है। लेकिन इसका एक लिमिटिंग फैक्टर है जो है कि ट्राइसेप्स। अगर आपकी फॉर्म और टेक्निक अच्छी नहीं है तो ट्राइसेप्स जल्दी एग्जॉस्ट होगा। लेकिन अगर आपकी फॉर्म और टेक्निक जितनी मर्जी अच्छी हो, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ रेप्स के बाद आपका ट्राइसेप्स एग्जॉस्ट होने लगेगा। इसके अलावा लैट को आइसोलेट करने के लिए एक और एक्सरसाइज है, एक नहीं एक्चुअली दो है, डंबल पुल ओवर। बट वहाँ पे नेक और शोल्डर बहुत ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर हो जाते हैं, तो उससे तो बेटर ये है। इसके अलावा इन दो के अलावा एक और है जो मशीन पे की जाती है, मेरे को उस एक्सरसाइज का नाम नहीं पता है, एक्चुअली याद ही नहीं है तो। बट वो मशीन नहीं है, वो मशीन ही अवेलेबल नहीं है, मोस्टली आपको जिम में मिलेगी भी नहीं। तो ये उससे दोनों से 1000 times बेटर है मेरे एक्सपीरियंस में, क्योंकि मैंने मशीन एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। तो ये ट्राई करें, लोड को कम रखें, फॉर्म और टेक्निक को बेटर करें, कोशिश करें कि एल्बो एक्सटेंशन फ्लेक्शन नहीं हो, एक बार ही लॉक किया देन जस्ट मूव। तो ये रहा स्ट्रेट आर्म पुल डाउन पे थोड़ा सा ज्ञान। आगे बात करते हैं, अपने टॉपिक पे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन और नेचुरल एथलीट्स के साथ हो क्या रहा है। सी, कोई भी फेडरेशन चलाने के लिए हायरार्की होती है। जिसने चालू किया है फेडरेशन, वो देन उसके नीचे जो चीज़ें देख रहे हैं अलग अलग चीज़ें, देन उनके नीचे जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को देख रहे हैं, देन उनके नीचे प्रेसिडेंट्स जो सबसे बॉटम में आते हैं। प्रेसिडेंट्स टॉप वाले को सब कुछ पता होता है, नीचे जो बॉटम है प्रेसिडेंट उसको सिर्फ आशंका होती है, थोड़ा सा मन में कहीं पे कॉर्नर में सबकॉन्शियस माइंड में या अनकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ आभास होता है कि शायद कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन फिर वो वहीं ये सोचता है कि भाई जिसने ये स्टार्ट किया है वो नेचुरल एथलीट्स के साथ थोड़ी इतनी ज़्यादती करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो बिजनेस के हिसाब से देखेगा उसको सिर्फ पैसा चाहिए और फेम चाहिए और अपना नाम बड़ा होना चाहिए फेडरेशन का और खुद का। और जो बेचारा प्रेसिडेंट है वो एथलीट्स के लिए सोचते हैं, तो वो बहुत मेहनत करते हैं एथलीट्स के लिए, एथलीट्स को प्रमोट करने के लिए, फेडरेशन को ग्रो करने के लिए, समहाउ किसी तरीके से ग्रो हो जाए। जाने अनजाने में वो भी एथलीट्स के साथ, नेचुरल एथलीट्स के साथ थोड़ा सा कहीं धोखा कर रहे हैं, मतलब उनको पता नहीं है, बट स्टिल आप भागीदार हो उस चीज़ के, तो पाप तो आपको भी लगेगा। तो इसे बेटर करने के लिए एक ही तरीका है, जैसे कि मैंने कल भी कहा, तो आप एथलीट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप निकलें फेडरेशन के सामने अपने सुझाव
या फिर डाउट्स या फिर दिक्कतें, ये सब रखें। सिंपल सा है, फेडरेशन बेंड होगी नहीं तो बंद होगी, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उससे बेटर फेडरेशन आ सकती है अगर आप बाहर निकले। अगर आपको सही कोई मिल गया तो आपको आगे जाने में बहुत हेल्प होगी, लेकिन उसके लिए सिर्फ आपको स्टेज पे नहीं परफॉर्म करना है, आपको रियल लाइफ में भी परफॉर्म करना है, क्योंकि लाइफ इतनी नहीं है कि आप पूरे साल ट्रेनिंग करें, मेहनत करें और स्टेज पे जाके आप अपने बॉडी शोकेस करें, नहीं, उसके अलावा बाकी चीज़ें भी आपको उन सब के लिए लड़ना है। आजकल के टाइम में तो लड़ना है, हम पिछले हजारों सालों से अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, तो आपको तो इस चीज़ के लिए लड़ना पड़ेगा। और मोस्टली ये फेडरेशन बाहर की है, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि एथलीट कहाँ से आ रहा है, उनको है कि फेडरेशन ग्रो होनी चाहिए, क्योंकि फेडरेशन ग्रो होगी तो सिंपल है, उस पर्सन को इनकम, पैसा 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 मिलेगा। तो आप बाहर आइए, बातचीत करिए, सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर 100 एथलीट कंपीट करते हैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में और उसमें 80 ऑथेंटिक नेचुरल एथलीट्स हैं, वो 80 में से अगर 60 ही आगे बाहर आए, बाकी 20 इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनको डर लग रहा है उनको दिक्कत हो जाएगी, तो वो 60 भी बहुत है। आज के 60 कल के 100 होंगे, फिर 100 ऑन, क्योंकि पुश एक ज़रूरी होता है, हर किसी को चाहिए, तो आपके थ्रू किसी और को पुश मिलेगा, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप एथलीट्स को पुश करूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँचे तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे शेयर करें, जो भी देखता है, आपका नॉन एथलीट है, नहीं भी है, तब भी आप ये किसी के साथ शेयर करें, किसी ना किसी का एथलीट फ्रेंड होगा ही होगा। तो आए, बाहर आए, बात करें। मेरा तो मन है किसी नेचुरल एथलीट के साथ लाइव करने का, तो मे भी कुछ दिनों में होगा, तो नेक्स्ट वीक फॉर श्योर। तो अभी मैं एक्सरसाइज अपनी फिनिश करता हूँ, आज के लिए इतना ही है, इस टॉपिक को आगे भी बढ़ाना है बिकॉज मैं फेडरेशन के स्पेसिफिक नाम लूंगा और रीज़न भी बताऊंगा मैंने ये टॉपिक आगे क्यों छेड़ा है। काफ़ी लंबे समय से था कि इस पर बात होनी चाहिए, बट अब क्यों। तो आज के लिए अभी इतना ही है, इसे कल कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे सेफ।